मुझे क्या मालूम, मैं तो अभी अंदर गया भी नहीं हूँ, तुम लोग ने बाहर ही मुझे पकड़ लिया। अभी अंदर जाऊँगा तो बताऊँगा किस तरह का सेलिब्रेशन है, लेकिन उम्मीद ये है कि बहुत ही उम्दा होगा सेलिब्रेशन। मैंने बनाई है व्यू के लिए काफ़ी, स्पॉटलाइट 1 और 2 बनाई है, गहराइयाँ बनाई है, मेमोरीज बनाई है। मुझे लगता है मेमोरीज बहुत चली उनके लिए, लेकिन अगर मेरी फेवरेट है तो स्पॉटलाइट 1। मतलब बहुत ही अच्छा काम किया हम लोगों ने, बहुत ही घुल मिल के किया, काफ़ी काम किया साथ में, और अब जब आदमी ज़्यादा काम करता है वो इसलिए करता है क्योंकि एक आपस में एक जब बनती है और ख्यालात मिलते जुलते हैं तभी तो जाके ऐसा हो सकता है। वेब सीरीज़ अलग है, फिल्म अपने जगह पे अलग है। वेब सीरीज़ में आपके पास ज़्यादा वक्त होता है कैरेक्टर्स के साथ खेलने का, कहानी बताने का, आप 2 घंटे में बंधे हुए नहीं हैं, आपके पास ज़्यादा फ्रीडम होती है और सेंसर से भी फ्रीडम है आजकल तो तो कुल मिला के एक अलग सा मीडियम है। हाय 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 हाय, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। व्यू हैज़ बिन रिस्पॉन्सिबल फॉर माई आई मीन फॉर गिविंग मी लवलेस एंड कन्फ्यूजन, विच इज़ द बिगेस्ट गिफ्ट एवर फॉर एन एक्टर। यू आई एम वेरी लकी दैट दे बिलीव्ड इन मी एंड यू नो बिलीव्ड इन 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 मी, कंसिडरिंग एट दैट टाइम आई हैड डन सम वर्क ऑफ कोर्स, बट दिस वॉज अ ह्यूज थिंग टू गिव, एंड आई एम वेरी 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 ग्रेटफुल टू व्यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, बिकॉज आई थिंक फॉर अ फीमेल एक्टर दिस इज़ अ लाइफ टाइम रोल फॉर अमा, सो आई एम रियली रियली आई एम सो ग्लैड दैट वी ऑल गेट टू सेलिब्रेट टुगेदर। फैंस को आई जस्ट वॉन्ट टू से अ बिग थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर ऑल द लव। आप नहीं होते तो हम नहीं होते, आपका प्यार नहीं होता तो एटलीस्ट यू नो विदाउट योर लव देर वुड बी नो नथिंग। So thank you, please keep loving the show, keep supporting us, and I hope that I get to meet all of you all at some point. Yeah, thank you so much. देखिए मैं 2 सीज़न का हिस्सा रहा हूँ, लवलेस एंड कन्फ्यूजन सीज़न 1, लवलेस एंड कन्फ्यूजन सीज़न 2, और पहले सीज़न में एक बहुत छोटा सा कैमियो था, और वो करते वक्त ऐसा लगा नहीं कि कैमियो कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभार कोई रोल बहुत रियल होता है आपके लिए और ऐसा लगता है जैसे आप खुद को प्ले कर रहे हैं, ऐसा लगता ही नहीं कि एक्टिंग हो रही है, ऐसा लगता ही नहीं कि डायलॉग बोल रहे हैं, ऐसा लगता कि मैं इसी सिचुएशन में होता तो यही कहता, मैं ऐसा ही फील करता हूँ, मैं यही करता, तो वो इतना पर्सनल हो गया कि वो लगा नहीं कि कैमियो कर रहे हैं। तो इसलिए जब वो मेरे पास 2nd सीज़न में आया तो मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि ऐसा लगा कि मैंने बहुत कम हिस्सा दिखाया है आपको और अभी दिखाना बाकी है। और 2nd सीज़न के बाद भी मुझे ऐसे ही लगता है कि अभी राहिल खान की कहानी अभी बाकी है, अभी वो आएगा वापस। नहीं, सबसे पहले तो थैंक यू। इस वक्त शहर में एक तरफ अघोरी की होर्डिंग्स लगी हैं, एक तरफ लवलेस कन्फ्यूजन की होर्डिंग्स लगी हैं, और यू नो गॉड इज़ काइंड और यू गाइज आर काइंड। अगर आप लोगों का प्यार ना हो तो ये क्यों हो और कैसे हो और हम लोग कैसे ये सब कर पाएँ। इट्स बीन सो लॉन्ग, इतने सालों से प्यार मिलता आया है, मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ अलग करूँ, कुछ नया करने की कोशिश करूं, बट वो सक्सेसफुल सिर्फ तब होगा अगर आप लोग देखेंगे, आप लोग पसंद करेंगे। सो आई एम कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन यू गाइज, सो ऑल माई सक्सेस एंड ऑल माई हैप्पीनेस इज बिकॉज ऑफ यू। सो मैं जेन्युइनली दिखावे के लिए नहीं, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई एम सेइंग थैंक यू। ओके, वैसे तो मैं मेरी फ्रेंड मयंक चांग के लिए आई हूँ उन्हें सपोर्ट करने के लिए, ऑफ़ कोर्स
इतने सारे व्यूज़ हो गए हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम, तो इस पार्टी का हिस्सा बनने के लिए बहुत खुश हूँ. बहुत ही माहौल बदल दिया है वेब सीरीज़ ने. जो कंटेंट शायद बाहर नहीं आते थे टेलीविज़न के ज़रिए या फिल्में नहीं बन पाती थी उन कॉन्सेप्ट्स में, तो आज एक मौका मिल गया है डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए कि उन कॉन्सेप्ट्स को बाहर लेकर आया जाए. काफ़ी एक्टर्स के लिए काम हो गया है, काफ़ी लोगों के लिए, हर डिपार्टमेंट से ज़्यादा काम हो गया, जो कि बहुत अच्छी बात है हमारे इंडस्ट्री के लिए. और बहुत ओपन कॉन्टेंट होता है तो इसमें कुछ लिमिटेशंस नहीं होते, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अच्छी स्क्रिप्ट जो घर में लोगों के रह जाती है, जो कभी बन नहीं पाती, जो कभी बाहर नहीं आ पाती ऑडियंस तक, डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए बाहर आ रही है, तो बहुत अच्छी बात है. आई थिंक इट कॉल्स फॉर अ मैसिव सेलिब्रेशन बिकॉज इट्स बहुत बड़ी बात है, 4 साल कंप्लीट हो गए. And many congratulations of you, and I wish them lots of continued success and love for their platform. So, बहुत बड़ी बात है, and lots of love to you always. जब व्यू आया था वी ऑल न्यू दैट इट्स अ ब्रांड न्यू बेबी, 4 साल हो गए पता भी नहीं चला. फॉर अस हमारे इस ये शो का दूसरा सीजन आ चुका है. इट्स इनक्रेडिबल दैट फॉर अस इट्स आल्सो अ पार्टी विद लवलेस कंफ्यूजन एंड सीजन 4. इट्स अमेजिंग, इट्स अ 4-year-old बेबी. या वाओ, आई एम रियली हैप्पी दैट व्यू इज कंप्लीटेड 4 years. They should complete more years, and I hope Truth and Tamanna ka bhi sequel aaye soon. And yeah, all the best view, and keep rocking. I would just like to say congratulations because jitne naye platforms aa rahe hain utne logon ko opportunities mil rahi hai kaam karne ka, and that's fabulous. So yeah, congratulations to you. Yeah.